सो हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे वीडियो इफेक्ट के बारे में जो गाइस आप अपने नाम से एक धुआं वाला इफेक्ट लिख सकते हो एंड किस तरह से टेक्स्ट कर सकते हो आप इस तरह का इफेक्ट। जी हाँ गाइस, जो कि आपने वीडियो में देख लिया है। सो गाइस, सबसे पहले आपको काइनमास्टर ओपन कर लेना है एंड मीडिया पर जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। अब सिंपली गाइस आप ये सब चीज़ें कर ले तो उसके बाद आपको लेयर पर जाना है और टेक्स्ट पर जाकर आपको जो भी आपका नाम है उस नाम को अभी सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर मैं अभी नेम लिख लेता हूँ, जो भी आपका नाम है उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। और इसके यहाँ पर मैं थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है और इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको वाइप राइट कर देना है, जिससे गाइज ये आपका राइट तरफ से लिखा जाएगा एंड इसी साइड से आपको धुआं लगाना है, मतलब स्मोक लगाना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको लेयर पर जाना है एंड मीडिया पर जाकर आपको उस वाले धुएं वाले इफेक्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड नहीं, जहाँ पर आपने रखा हुआ है उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है। अब सिंपली गाइज आप जैसे सिलेक्ट कर देते हो उस वाले इफेक्ट को, तो गाइज यहाँ से देखिए अभी मैं डाउनलोड में जाता हूँ एंड जहाँ पर मैंने डाउनलोड किया है उस वाले इफेक्ट को यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब गाइज जब इफेक्ट आपका, तो अभी यहाँ पर आपका नाम नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर आपको ब्लैक इधर की तरफ करना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका नाम जो है वो नाम शो हो जाएगा, वरना आपका ब्लैक बैकग्राउंड आ गया तो इसलिए आपको ब्रांडिंग का ऑप्शन इनेबल कर देना है। यहाँ से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है जिस भी तरीके से आपको करना है। फिर आपको इनके फंड्स पर जाना है, फंड्स पर जाने के बाद आपको सब कुछ इसका नेम का चेंज कर देना है, स्टाइल्स एंड आपके कलर भी चेंज कर सकते हो। बाय द वे आपको नीचे की ओर आना है, इन एनिमेशन देखिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमको इसकी स्पीड बहुत स्लो कर लेते हैं क्योंकि हमारा बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर हमने इसकी स्पीड को बहुत स्लो कर लिया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह इफेक्ट बन चुका है ये। एंड हमको फिर से गाइस लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है। इफेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको एक गेट मोर से इफेक्ट डाउनलोड करना है, वाओ रैप 2.0। आप गेट मोर पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ से हमको देखिए इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइस जब ये इफेक्ट हम सिलेक्ट यहाँ से कर लेते हो एंड सेलेक्ट करने के बाद हमको इसको क्रॉप कर लेना है, क्योंकि गाइज ये हमारा इफेक्ट हमको एक एक वर्ड पर चाहिए। एंड देखिए गाइज अभी हमारा इफेक्ट यहाँ पर हम एंड पर लेते रहे और इसको थोड़ा सा यार बड़ा कर लेते हैं क्योंकि अभी ये हमारा छोटा हो रहा है एंड से। तो गाइज हम इसको इफेक्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। उसके बाद आपको ये एक साइड में ऑप्शन मिलता है, आपको प्लस पर क्लिक करना है एंड फिर ए पर जाना है, आपको अगले अक्षर पर जाना है जो भी आपका नेक्स्ट वर्ड होगा उस पर क्लिक करना है। फिर आपको नेक्स्ट पर जाना है, फिर से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और फिर से आपको ई पर आना है, जो भी आपका नेम का वर्ड है वहाँ पर आपको जाना है एंड इस तरह से आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको किसी भी तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो एंड आगे कर सकते हो। अब जब आगे कर देते हो उसके बाद गाइज हमारा वीडियो कुछ इस तरह से बन चुका है। एंड गाइज आप देख सकते हो हमारा वीडियो अभी देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है एंड लहरा भी रहा है और स्मोक भी फेंक रहा है, तो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। उसके बाद सिंपली गाइज आपको फिर से म्यूज़िक वाला आइकन पर जाना है एंड म्यूज़िक वाला आइकन पर जाने के बाद गाइज आपको यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, मतलब जो भी आपका ऑडियो है। गाइज सॉरी गाइज वीडियो बोल दिया, बट ऑडियो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है एक सॉन्ग। सो गाइज आपका सॉन्ग कुछ इस तरह से बन चुका है, इसके बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।